हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। IPL 2018 की नीलामी में सबसे महंगी कीमत वाले चार भारतीय तूफानी खिलाड़ी सामने आने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से वो चार खिलाड़ी हैं कि जो हैं। नंबर एक पे हैं विराट कोहली, भारतीय टीम के कप्तान और IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली IPL 2018 में दूसरी टीम में खेलते नज़र आ सकते हैं। और खबरों के अनुसार इनकी बल्लेबाजी और काबिलियत को देखते हुए IPL 2018 में विराट कोहली को 20 से 25 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। और दूसरे पर हैं रोहित शर्मा, भारतीय टीम के उप कप्तान और IPL मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी के दौरान दो बार IPL ट्रॉफी जिताई है, इसलिए दूसरे खिलाड़ियों की भांति यह काबिल बल्लेबाज भी 2018 के IPL में सबसे पहले से महंगा साबित हो सकते हैं। तीसरे पर हैं महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी IPL 2018 में चेन्नई सुपर किंग टीम के वापस आने की खबरें आ रही हैं, जिस कारण धोनी को एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग का कप्तान बनाया जा सकता है। IPL के नीलामी में धोनी महंगे खिलाड़ियों में से एक होते हैं। इनमें एक सफल कप्तान और बल्लेबाजी के कारण इन्हें नीलामी में अच्छी खासी बोली मिल सकती है। और चौथे नंबर पर हैं हार्दिक पांड्या। हाँ दोस्तों, इस समय बहुत ही धांसू बेहतरीन बल्लेबाजी करते नज़र आ रहे हैं और IPL में सबका अनुमान है कि हार्दिक पांड्या सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे। IPL का 2018 में IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी होंगे हार्दिक पांड्या। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सबसे महंगे खिलाड़ी IPL के 2018 में हार्दिक पांड्या ही होंगे दोस्तों।